carne quemada. आदाब नाजरीन कौशर खबरनामा हेत गौहर कुछे तुंदिस खदमत मज हाजिर पेश खबरन हिंस तफसील वस्ते जिल बडगाम किस चार शरीफ इलाकस मज सपद वुहो घंटो पत फोर्सिस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प इख्तिताम पजीर यथ दौरान अख मिलिटेंट हलाक यल जन अख फोर्सिस एहलकार चौक दर सपद नवहार चार शरीफ इलाकस मज तम सात रात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमस ये मिलिटेंटन हिज मौजूदगी इतला मिलन पत फौज पुलिस तो सीआरपीएफ मुश्तरक पुंज इलाकों का घेराव कुर यम पत इलाकस मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सिस एहलकार दरमियान गोलन हूं तबोदुल सपुद रात कल अगर जन ऑपरेशन मुअतल कर तहम सपुद सुबह ऑपरेशन दुबार शुरू या दौरान बे फिर फोर्सिस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलन हूं तबोदुल सपुद यथ मज जैश मोहम्मद नौच मिलिटेंट तंजीम सबस्ता अख मकामी मिलिटेंट मार सपुद यल जन अख फोर्सिस एहलकार चौक दर सपुद उस इलाज मालज बापत अस्पताल निन आओ सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम के नवहार चार शरीफ में बीती रात में सिक्योरिटी फोर्सेस एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने नवहार इलाके का एक बार फिर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और इतला थी कि इलाके में कमोबेश एक दर्जन से जायद मिलिटेंट मोहम्मद अजहर के घर में देखे गए हैं, जिसके बाद इलाके का वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हालांकि मकामी लोगों के मुताबिक रात भर फायरिंग दोनों अतराफ से चलती रही और सुबह जब सिक्योरिटी फोर्सेज उस जगह तक पहुंची और एक डेड बॉडी को रिकवर किया। बताया जाता कि जैश मोहम्मद से वाबस्ता इस मिलिटेंट का ताल्लुक कहीं ना कहीं लोकल इलाके से है। कौमी तहकीकती एजेंसी एनआईए तरफ चु आज तबादी हिंद कैंसन इलाकन मज कार्रवाई आम कर दौरान वन वर्मुल जिल के पलहालन पटल कानिसपुरा तो दोमिन कैंसन जायन पे छापा आव त्रा एनआईए जरायो पे मालूम सपूदमुत मुअतल डीएसपी दविंदर सिंह सिंदिस मामलस हवाल छापमार कार्रवाई आम कर दौरान कैंसन घंटन ताम तलाशी तो पृछगर जारी रूद अथ मौक पे पुलिस तो सीआरपीएफ एहलकार एनआईए टीम में मौजूद। मेरे पास आज से पहले चार साल पहले तीन साल पहले एक बंदा रहता था शुपियन का, वो बीजेपी से रिलेटेड था तब, और वो यहाँ जब रहता था तीन साल रहा, ढाई तीन साल वो यहाँ रहा, और उस दौरान तो हमें लगा कुछ नहीं, पर हमें जब ये चीज़ें दो लोगों ने मुझे ये जाके आके घर में बोला उसके रिलेशन के, ये बंदा थोड़ा सा मतलब गलत कामों में मुलव्वज़ है, तो फिर मैंने ये खबर अपने एसएसपी बारामूला को दी और उनसे बात करके एसएसपी बारामूला को साथ लेके मैंने उस बंदे को यहाँ से निकाला और ये खबर हमारी पार्टी को भी दे दी और उन्होंने भी उसको अपनी बेसिक मेंबरशिप से खारिज करा है। पर उसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे थे, एक उसके लाइसेंस था और कुछ दो चार चीज़ें उसकी थी, तो एनआईए ने आए उनके साथ मैंने कोऑपरेट किया, मैंने उनको वो चीज़ें उसके वो जो थे दस्तावेज़ वो मैंने उनको दे दिए। यदवे कें दो ब्रो लद्दाख सदर जिल मजिस्ट्रेटन मकामी हिल कौंसल के चुनाव करने बापत लहस मज नोटिफिकेशन जारी कर यम पत कैंसन सियासी लीडरन सलाकात आव कर सियासी गहमा गहमी तुच्न तत सपुद आज कुल जमाती इजलास लहस अंदर मुनद यदर यह मुतफिक फैसल निन आव जह किस कौंसल कें चुनाव मज नी किस तो यद दौरान चुनाव मज बाट कर फैसल आव नि The apex body of People's Movement for Sikh Scheduled for Ladakh unanimously resolved to boycott the ensuing 6th LAHDC Leh election till such time the constitutional safeguard under Sikh Schedule on the lines of Bodo Territorial Council is not extended to UT Ladakh and its people. Tene yu shakstav zakkan nu nyorju skepje thiksedim poche skundun Thupstan Chewang, former Member of Parliament, Shirin Dorje Lakruk, former Minister, Venerable Sharup Chamba, President All Ladakh Gonpa Association,
श्री पी टी कुंजंग प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, श्री अशरफ अली बर्चा प्रेसिडेंट अंजुमन इमामिया, डॉक्टर अब्दुल कयूम प्रेसिडेंट अंजुमन मोनल इस्लाम, रेवरेंड देचेन चंगा प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी, श्री नवंग रिजिन जोरा फॉर्मर मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट टेरिटोरियल कांग्रेस यूटी लद्दाख, श्री नवंग समस्तन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, श्री टी फुनसोक कन्वीनर आम आदमी पार्टी ले, श्री जिगमेत पलजोर प्रेसिडेंट LEEF लीफ इंगता स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक खकुर बुइन ओजु तेने दक्षे प्रेस रिलीज ना जुस्कर नंगजिन नजे दिरिन मीटिंग खचन जिक्सोंगले तेबे अलचबाग श्रीनगर मे दो ब्रो दिवर त्राल किस रोजन वालिस त्रिलोक सिंह नाव किस नफर सुबैन हलाक पत् तिंदो गो इल्जाम आयद कर वोमुत जिंदिस नची सुंद कतल आमुत कर तमो वो त्रिलोक सिंह गर वाजिन तो तिंद रिश्तेदार सतावन यद दौरान सो ज्यादती हुंद शिकार बनवित कतल आव कर तमो कर इंतजामिया तो पुलिस कन आला हुकाम अपील मामलस मज ग गैर जानबदाराना तहकीकत युन कर तो मुलविस नफरन गे सख्त खोत सख्त सजा युन दिन इसकी जो बीवी है वो किसी के भाई के साथ माँ के साथ बहन के साथ मर चलो तो आस्ता आस्ता फिर इनके अपने घर में सूते मेहमा होती रही डेली डेली पंगा फसाद तो 14 को शाम को मुझे फ़ोन आया भाई ने किया फ़ोन बोला मेहरबानी करके मेरा फैसला करो तो ये रोता था मैंने बोला क्या बात हुई है भाई ने बोला बोला मेहरबानी करके अब भी आओ मेरा फैसला मैंने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे तो उधर मैंने इसको बोला कौन कौन है इसने जवाब दिया वहाँ से मेरा ससुर है तुषार सिंह साला जरनैल सिंह दूसरा साला परमजीत सिंह मेरी बीवी सिमी कौर तो इन्होंने मुझे मार पीट की है इन्होंने मेरे बाल निकाले हैं ये उसके वर्ड हैं तो जब मैं सुबह गया तो वहाँ पहुँचा मेरे पहुँचने से पहले ही तो लोग सिंह पूरा जल गया था उसने मिट्टी का तेल डाल के इसकी बीवी इसके दो साले और इसका ससुर और सास इन्होंने तेल जला के इसको राख कर दिया था हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डीजी साहब से कि हमें मेरा नाम है अमरजीत कौर मैं त्रिलोक सिंह की सिस्टर हूँ मैं देवतराल में रह रही हूँ मैं उधर अलचेबाग में श्रीनगर में जाती थी वो मेरे पास आता था यहाँ देवर में वो बीवी उसको हर हमेशा झगड़ा करती थी उसको मारती थी खाना नहीं देती थी और बहुत सारी डांटती थी बोलती थी आपकी माँ और बहन के साथ मिलती हो उनके साथ छोड़ दो आप मिलना परसों 14 तारीख को ऐसा मसला हुआ कि उसकी सासू माँ उसके दो भाई बीवी के दो भाई हैं बीवी हैं और उसका बाप है उन्होंने उसको पूरा मारा पहले मार के फिर मारते मारते ये डाल दिया मिट्टी का तेल डायरेक्टर अकाउंटस शाहिन महमद सिंद सदारत मे सपद सर्किट हाउस शुपियनस मे महकम खजान कन अफसरन सीटिंग मनद यद दौरान मुतल महकम मम कार जायजा आव हे अत मौक पे आव अफसर जोर दिन जम ग सही तो बेहतर तरीकस मम कार अंजाम दिन हाल ही गवर्नमेंट्स के कुछ इंस्ट्रक्शन हैं वो देख लें कि ऑन ग्राउंड वो इंप्लीमेंट हो रही है तो इसी सिलसिले में हमने सोचा था कि आज यहाँ दो ट्रेजरीज का इनका रिव्यू ले लें सुबह के वक्त जब डिमांड शाम तक वो हो ही जाता है वो डिले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है महकमे पशुपालन तरफ आवाज खोलगम मे चारवन हिंद बेमार रोट लागन बापत अख वैक्सीन मुहिम शुरू कर इफ्ता जिले तरकियती कमिश्नर खोलगम शौकत एजाजन भट्ट सिंद तरफ आव कर अत मौक पे मुतलक महकम हिंद हुकाम अलाव माहिर मौजूद या दौरान मुख्तलिफ बेमार मुबतला चारवान दवा आव दिन जन अत मौक पे एनिमल हेल्थ कार्ड त आय फराहम कर आज हमने अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो भी हैं उनको हमने हर जिस ब्लॉक में जो इनके अपने अपने एनिमल ब्लॉक्स होते हैं उनको हमने रवाना किया है और हमें कोशिश रहेगी कि नवंबर तक नवंबर से पहले हम पूरे इलाके में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फुट एंड माउथ की जो ये बीमारी है इसके जो वैक्सीनेशन है हर किसी जानवर को और जियो टैग कर लेंगे इसके और टैगिंग कर लेंगे इसके साथ ही ये सब जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और लोगों से भी गुजारिश कर लूँगा कि वो अपने सेंटरों पर आए
यपर आव महकमे एनिमल हस्बेंड्री कपवारे तरफ त मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप मनकद कर दौरान मौक पे चारवे वैक्सीन आय कर मौक पे आई लूकन मज जानकारी तराहम कर लूकन पे जोर दिन आव चारवे मज बारी पोद सपदन सतलक महकम कें जिम्मेदार सबत कर युत वक्त पे इन बमार पे रोट ये लागन। ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है और ब्रुसेलोसिस, तो उसकी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये आगे भी चलेगा। तो ये वैक्सीन्स जो एनिमल्स हैं सब एनिमल की रजिस्ट्रेशन होगी, आज तक 90,000 की रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो उनके टैग्स लगेंगे, उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन होगी और ये एक साल में दो बार होंगी। तो ये जो डिजीज हैं तो इसको प्रिवेंट किया जाएगा। बदरवा इलाकस में कोरोना वायरस के मजबत मामलन में इजाफ वुन पे इंतजामिया तरफ इलाक में पाबंदी अद कर लूकन हंदिस फेरन थोरनस पे ठाकाव लागन तत जिले इंतजामिया डोढ़ हदायत पे महकमे सेहत तरफ घर घर कोविड टेस्ट इवन कर अत मौक पे आई लूकन अपील कर तम गतलक महकम कन अफसर सवन फराम कर। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टारगेट है जो डीसी साहब ने दिया है फुलफिल करने के लिए, वो गोल हम अचीव कर पाएँ, और ये लोगों के ताउन के बगैर नहीं हो सकता है। हम सब पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो बाकी कॉपरेशन भी मिल रही है सुबह से, ये देखें ना, हेल्थ डिपार्टमेंट है, अपने किट पहन पहन के लगे हैं बेचारे, मैं भी इनको सैल्यूट करता हूँ। डोर टू डोर स्टेप का गवर्नमेंट का यही एक स्टेप है कि डोर टू डोर जाने से ये होगा कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको कहीं दूर जाने से वो कतराते हैं या डरते हैं, तो लेकिन चलो उनको इसी के डोर स्टेप पे के तहत वही उनके महले में जाके उनके डोर स्टेप पे जाके वहाँ से इनको टेस्ट लीजिए। बीडीसी चेयरमैन शांगस सिंध सदारत मज सपज आज हल्के भरंगी इलाक मज ग्राम सभा या दौरान हल्कस मज लूकन दरपेश मसल तो मुश्किल पे कथ दलाव दिन अत मौक पे आई लूकन यकीन दहानी कर वन जन वालस वक्त मज इन लूकन हंद मुश्किल दूर कर। क्योंकि ग्राम सभा जो होती है वो साल में मतलब प्लान देने के लिए एक ही बार होती है जी, उसके बाद तो छोटी मोटी मतलब ये हमारी ग्राम सभा होती रहती हैं, वार्ड मजलिस होती रहती हैं, लेकिन ये प्लान दे रहे हैं फाइनेंशियली, ये प्लान दे रहे हैं, तो इसमें मैं खुद इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोगों की मुझे फिर कॉल्स आती हैं, मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि ये बड़ा काम है, जैसे कि कोई रोड हो या कोई क्रॉसिंग हो, तो उसकी वजह से आज हम यहाँ आए। वादी अंदर युद्व बहमि जमूत सिंध बायन वाल इम्तहान तो शुरू सपद तथि मुख्तलिफ जान पे इम्तहानी मरकज कायम कर आमत दौरान जारी एस ओ पीजन पे अमल कर इम्तहान आई मुनद कर। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस अटेंडेंस, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर हमारे 85 बच्चे जो है परसेंट इसमें एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। कुछ बच्चों का पता नहीं वो बीमार होंगे या कुछ पॉजिटिव होंगे, वी डोंट नो अबाउट देम, लेकिन जो भी मेरे पास इस वक्त जो मैंने इंस्पेक्शन किया अपने सेंटर का, उसमें हमारा 85 अटेंडेंस है। जो भी हमारा इसमें गाइडलाइंस आए, आप भी शायद ऊपर भी गए हैं तो उस वक्त आपने देखा है, उसमें एक एक बेंच रखा है, बीच में एक सीट छोड़ के एजेंट, क्योंकि बच्चे कम हैं इसमें काफ़ी डिस्टेंस। यपर आव पुलवामिस मज बहमि जमूत सिंद इम्तहान मुनद कर दौरान मुंतजमिन तरफ कोविड पेश नजर इंतजाम गोड़े मुकम्मल कर आमत जन समाजी दूरी तो मास्क हूं इस्तेमाल कर इम्तहान आई मुनद कर। आलमी वबा कोरोना वायरस सत्य प्रेत कह शोब मुतासर तत दुम तरफ हन हन पाबंदी तुलित कारोबारी तो दुम सरगर्मी तहाल इवन कर जन वादी अंदर सयाहती शोब सठा मुतासर तत सयाहती शोब सबस्त लूकन हंद वन ज्रे अगस्त जनवु पे तिंद कमकार मुतासर सपूदमुत यह दौरान तिम मुश्किल वतरन पेवन यपर गैर मकामी सलानियन हंद वन जादी अंदर सयाहती शोब सठा मुतासर तमो वो मजीद ज इंतजामिया पज सयाहती शोब बहाल कर बाप ठोस कदम तुल। यहाँ पे पहले 2-3 साल पहले भी जो भी हो यहाँ पे मतलब क्राउड अच्छा होता था, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते थे, अभी पता नहीं क्या हालत हो गया है यहाँ पे,
लाइक पूरा हाउस बोट खाली मिल रहा है हम लोगों को, और यहाँ पे वो माहौल नहीं है जहाँ पे जब पहले होते थे हमें यहाँ पे। एसओपी के हिसाब से थोड़ा चेंजेस ला के, थोड़ा सैनिटाइज वगैरह करके, थोड़ा मतलब बिना थोड़ा कुछ नया के साथ फिर से शुरू होना चाहिए लगता है, क्योंकि ना बहुत अभी बहुत लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉय है, यहाँ पे बेचारा देखो अभी यहाँ सारे खाली पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा आना चाहिए टूरिस्ट लोग। ये जो महीना था हम इस महीने में ज़्यादातर फॉरेनर टूरिस्ट आता था यहाँ पे, तो अभी ये जब जो भी इतनी गाड़ियाँ है इधर, ये सब पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग हर किसी जगह पे होती थी, तो पिछले 2019 3 अगस्त से टिल अभी तक हम पूरे बैठे हुए हैं इधर, कोई कमाई नहीं, कुछ भी नहीं, ऊपर से इंश्योरेंस हमारा ख़त्म हो गया, ऊपर से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी सब खत्म हो गए। जिस तरीके से सरकार ने बाहर के स्टेट्स को लेकर टूरिस्ट को परमिशन दे दी है विद एसओपी गाइडलाइंस, वो जा सकते हैं ताकि लोगों का रोजगार चले, तो यहाँ के लोगों का भी मानना है, जो तबका इसके साथ जुड़ा है, चाहे शिकारा वाला है, हाउस बोट वाला है, इनका भी मानना है कि अगर सरकार परमिशन दे टूरिस्ट को यहाँ आने की विद एसओपी प्रॉपरली, एसओपी गाइडलाइंस के जरिए, तो हम भी वो गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। एक ऐसे कल्चर हेरिटेज से रेलिवेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म बैकबोन इंडस्ट्री कश्मीर की, वो खस्त हो चुकी है। آبی وسوار ڈلگیٹ سری نگر کیو لوکو شکایت باوان ورمت علاقہ من ڈرینیج سسٹم نا آس کن علاقہ کن لوکن سٹھا مشکل ویترین پیون لوکن ہند ون علاقہ مز اگر زن اکہ طرف ڈرینیج سسٹم بنانے آو تاہم دوم طرف ڈرینیج سسٹم بنانے آمت یم سارش دوران آب گلی کوچن پہ جمع گھن ست لوکن پھیرنس پھورنس مز مشکل ویترین پیون تو اگر زن ڈرینیج سسٹم بنانے باپت کہیائی پھر انتظامیہ سے ون کی آو تاہم آو آج تام علاقس میں ڈرینیج سسٹم ٹھیک کر میں ڈل گیٹ آبی بشوارا کا رہنے والا ہوں یہ جو گورنمنٹ میں اس کو بولتے ہیں پریڈیسٹین مال روڈ تو یہ لاؤڈا والے یہاں پہ یہ تو سارا ان کا انہوں نے یہاں پہ پمپ ایک بنایا ہے ابھی ایک دو سال ہو گئے اسی سال وہ کمپلیٹ ہو گیا تو سبو جگہ پہ انہوں نے ڈرینیج لگا دیا ان کو پر یہاں تک پہنچتے ہی پھر آگے یہ نہیں جا پائے اس کی وجہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے کہ ہم کافی بار ان سے ملے بھی تو یہ پتہ نہیں کچھ نہیں بولتے کہ بولتے ایسا اور جب کہ ان کا خود کا جو آفس ہے یہاں پہ لا گیٹ پہ ہے ان کا آفس اور جو میں نے وہاں کا جو باتھ روم دیکھا ان کا بھی جو سالڈ ویسٹ ہے وہ سیدھا ڈال میں جاتا ہے نئی بوگ ترال کے لوکو طرف شکایت باوان و نامود علاقہ مز سڑکیں خستہ حالی کن لوکن پھیرنس تھورنس مز مشکل ویترین پیون تو یودوئے سڑکیں خستہ حالی دور کرنے باپت کہی آئی پھر حکامن ون آو تاہم آج تام سڑکیں شیر پور کر آمت لوکن ہند ون نودل پہ ڈار سور تام گھن واجن سڑکیں سٹھا خستہ سپزم یم کن مقامی لوکن مشکل ویترین پیون مقامی لوکو طرف انتظامیہ سے منگ کر آمت علاقہ مز گھ سڑکیں شیر پور کر یوت زن لوکن بتھ ان ول مشکل دور گھن اچھ پنہ پانسہ پہ روڈ کڑمت پن زمین ترمت بغیر کم معاوضہ مگر کیا ونکس کی اہم پرابلم یہ پرابلم اچھی سڑک سے دبئی اتھ اندو جنگل اگر کپر کم بیمار پکہ لوس پکہ کم ڈیلیوری کیس آتیا مشکلات دن مطلب خدا نا خطر اتھ جانور خطر تھی اتھ پرابلم گھن باقین گامن کس طرح سرس علاقہ ترالس میکڈم ترام وہی میرے باسان علاقہ ترالس مجھے سون 3 کلومیٹر روڈ یتھ میکڈم ترامت کہین اچھے گزارش کرنا اگر میکڈم ترا ہن تو اچھے واتیا سولی بیگا شای روڈ اندو خوشات پہم اچھے واتیا سولی اچھا اچھے سڑکن مسئلہ مسئلہ چھ یہ کہ اتھ اچھے واریہ دروب ایل اس گڑ پکناون چھ سناسن ہکن زیادہ پکت واریہ لوت پون پکن خاص کر بیمار اس سن ہکن کن وے تھی دویم اس چھ اگر سرسی علاقہ ترالس میکڈم گو لکٹ لکٹ روڈ اس زیادہ لکٹ یہ اس واریہ بوڑ اصل روڈ یتھ نس گو روڈ یتھ روڈ سنس گو میکڈم ٹنگمرگ علاقہ لوکو طرف شکایت باوان ون آمت سوچھ بھارت ابھیانس تحت اگر زن علاقہ مز بیت الخلا بنانے تاہم تم مکمل گھن باوجود نامعلوم وجوہاتوں کن بند تھونا آمت مقامی لوکو طرف انتظامیہ سے منگ کر آمت بنانے آمت بیت الخلا گھن یل ترا ی بہت بنایا لچھ واج روپیے لوگوں پہ یل گا یہ بڑک یہ دنیا پھیران
پتہ پہ یہاں بیرن تل بچن تل گھان پیشاب کرنے باتھ روم بند یہ گھس یل گھس تو کوتا ٹائم گئی بنائی اتھ گو وی پیش اچھا وہ کیا ڈیمانڈ ڈیمانڈ گھس یل گھس یہ بند یہ جو یہاں پر ہائی ٹیکنالوجی کا باتھ روم بنا تھا یہ خوش آمد بات تھی کہ گورنمنٹ نے یہاں پر قدم اٹھایا تھا اور اس کو بنایا تھا لیکن پرابلم یہی ہے یہاں کے جو لوگ ہیں یا ٹوریزم جو یہاں پر گیٹ وے آف گلمرگ ہے یہ ٹنگ مرگ جو ہے یہ گیٹ وے آف گلمرگ ہے یہاں سے پہلے ٹورسٹ کو یہاں پر اسٹاپ کرنا پڑتا ہے تو ٹورسٹ کی بات بھی ایک ہے اور دوسری طرف یہاں کے جو لوگ ہیں جو لوکلس ہیں ان کو بھی یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے تھی لیکن جب سے یہ بند پڑا ہے جب سے یہ بنا ہوا ہے تب سے یہ بند ہی پڑا ہے جبکہ یہ پورا کمپلیٹ اس وقت میں ہے گورنمنٹ کو چاہیے ضلع کپوار کس ہندوور علاقہ مز یہ مقامی نوجوان کھلاڑی گراؤنڈ نہ آنے کن سٹھا مشکل اس ویترین پیون تو کہی آئی پھر حکامن ہند زون ات معاملس کن تو پھر آو تک انتظامیہ طرف نوجوان کھلاڑی ہند مشکل دور کرنے باپت قدم تلنے آمت یا دوران علاقہ مز انڈور سٹیڈیم تعمیر کرنس حوالہ کم آئی شروع کرنے ات موقع پہ ون ذمہ دارو زور کروڑ کی لاگت ستی یہ انڈور سٹیڈیم تیار کرنے یوت زن مقامی نوجوان کھلاڑی مزید مشکل ویترین پین ہمیں بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں کافی سالوں کے بعد انڈور اسٹیڈیم عمل میں لایا گیا ہے لیکن ہم اب گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد تیار ہو جائے تاکہ ہم اس گیم سے لطف انداز ہو جائے میں ایک خود سپورٹس مین ہوں کیونکہ ہمیں بہت ہی اس انڈور اسٹیڈیم کی تلاش تھی لیکن ہمیں اللہ کے کرم سے یہ مل گیا ہے اب لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد تیار ہو جائے تاکہ ہمیں بہت ہی جلد اس گیم سے لطف انداز ہم ہو جائے ہمارا ایک مطالبہ ہے جتنا ہو سکے اتنی جلد جتنی سطح پہ ہو سکے اتنی جلدی سطح پہ نا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہے ان چیزوں میں یہ کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے بچے ڈرگس میں انوالو ہو رہے ہیں ہمارے جو ہمارا جو یوتھ ہے وہ کمپلیٹلی ڈرگس کی طرف جا رہا ہے ریسنٹلی ہمارے ہندوارہ میں ایک چھوٹا 18-19 سال کا بچہ جو کہ جس کی بھی وفات بھی ہو چکی ہے ہم ان چیزوں سے وی آر فیڈ اپ ود دیز تھنگس ہم ان چیزوں سے باہر آنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ ان چیزوں میں انوالو ہو جائے یہ ہندوارہ ایریا میں یہ انڈور اسٹیڈیم بنتا ہے اس کی یہ اسٹیمیٹنگ کاسٹ جو ہے نا پروجیکٹ کاسٹ 4 کروڑ روپیز ہے اس کا یہ انشاءاللہ ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سال نومبر تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیو ٹو لاک ڈاؤن اور یہ لاسٹ ایئر کا یہ ہڑتال کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے ناظرین سوت خبر نامہ اند دیو اجازت خدا سوال